सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा कंकाल हड्डी ही हड्डी है, देख सकते हैं इधर पूरा हड्डी और पूरा देखिए यहाँ पे पूरा कंकाल बच जाएगा बेटी का, देख सकते हैं। इसीलिए उसका प्रस्तुत कितना अच्छी तरह से किया गया है, देखिए वाह। अभी है जो कि ताला को भी दिया गया है, जो बेटी नहीं रहेगी तो लास्ट में यही एक दिन बन जाएगा कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल लड्डू बाबू ब्लॉग्स में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि सभी लोग जानते होंगे दशहरा का नवमी है, तो फ्रेंड्स हम लोग आए हुए रांची स्टेशन पंडाल दुर्गा मंडप। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ का जो पंडाल, जो इतना दूर से हम लोग क्यों आए हैं, यहाँ का खासियत क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ का खासियत इतना मतलब दिल दहला देने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ का जो पंडाल है आप लोग देख सकते हैं, जो इसको क्या आकृति दिया गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूर्ण हत्या को रोका जाए, यही इसका टॉपिक है। और देख सकते हैं उसका पूरा यहाँ पे बनाया हुआ, जो हम लोग पेट में बेटी को इस तरह से हम लोग मार देते हैं, देख सकते हैं इसका अधूरा पार्ट बनाया गया है यहाँ पर। देखिए कैसा वहाँ पर बनाया हुआ आकृति, देख सकते हैं। इसका अंदर में देखिए पूरा अंडाणु का बीजा, जो पेट में हमारा जितने पूरा पेट के अंदर हमारा जिस तरह से प्रोग्रेस होता है हमारा, देख सकते हैं उसके पूरा किया गया है यहाँ पर। इसमें जो है पूरा ऐसा लग रहा है जैसे अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है, वैसा हम लोग साक्षात देख रहे हैं, जो हम लोग पूर्ण हत्या में बेटी लोग को किस तरह से मार दिया जा रहा है और मार के हम लोग बेटी लोग को खत्म कर रहे हैं, तो उसी को बचाने के लिए इसको प्रस्तुत किया गया है। चलिए आप तो प्रिंस देख सकते हैं यहाँ का जो है सो पूरा अंडाणु बना हुआ है, किस तरह से देखिए पेट में हम लोग के अंदर में रहता है, देखिए उसको पूरा प्रस्तुत किया गया है देखिए। और यहाँ पर एक राक्षस है, बेटे को पूरा मार के खत्म कर दो, लास्ट में यही बचेगा, इसीलिए इसको भी सबसे पहले दर्शाया गया है फ्रेंड्स, इसमें यही मैसेज दिया गया है। और देख सकते हैं पेट में बच्चा किस तरह से खेलता है, देखिए यहाँ पे पूरा इसको बनाया गया है बांस से, देखिए पूरा नस उस सब दिखाया है, ब्लड कैसे हमारे शरीर में चलता है पूरा, देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बच्चा पेट में घूम रहा है, देख सकते हैं। और लास्ट में देखिए वहाँ पे घड़ी बुक किया गया है, लास्ट का समय में ही बचेगा कि देखिए पूरा बेटी का कंकाल रह जाएगा और लास्ट में वही एक दिन ऐसी। हाँ बेटा देखो, देखो बाबू भी बोल रहा है, देखो बाबू घूम रहा है, वाह। तो फिर देख सकते हैं इसको जो घड़ी का आकार यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग जो है आने वाला दिन में बेटी को बस इसी तरह से हम लोग याद करके रखेंगे, जो बेटी को मतलब आने वाला दिन में हम लोग जिस हिसाब से भ्रूण हत्या कर रहे हैं बेटी को लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो बेटी को हम लोग को क्यों नहीं मारना है आने वाला दिन में, इसका क्या हानि हो सकता है हमारे लिए, ना बेटी रहेगी तो माँ कहाँ से रहेगी, ना माँ रहेगी ना फिर बेटी माँ जो भी है, आज दुर्गा माँ का रूप है, देख सकते हैं पूरा नौ कन्या को इस तरह से पूजा आज का दिन में किया जाता है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे घड़ी है, घड़ी इसलिए यहाँ पे पूरा देखिए ताला भी है, जो कि ताला को भी दिया गया है, जो बेटी नहीं रहेगी तो लास्ट में यही एक दिन बन जाएगा कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा दर्शन कर लो ना, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा कंकाल हड्डी ही हड्डी है, देख सकते हैं इधर पूरा हड्डी और पूरा देखिए यहाँ पे पूरा कंकाल बच जाएगा बेटी का, देख सकते हैं। इसीलिए उसका प्रस्तुत कितना अच्छी तरह से किया गया है, देखिए वाह। देख सकते हैं यहाँ भी पूरा बेटी का पूरा कंकाल है, देखिए पूरा इसको। तो फ्रेंड देख सकते हैं पूरा राक्षसी राक्षस राक्षसी राक्षस का यहाँ पर पूरा राक्षस को पूरा प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पे त्रिशूल, देखिए देखिए त्रिशूल, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर त्रिशूल बनाया हुआ, देखिए ये पूरा बांस लकड़ी का छाल से बनाया हुआ हुआ। और देख सकते हैं फ्रेंड्स आइए
इधर देखिए, देखिए यहाँ पे पूरा कटोरा सा डिजाइन किया गया है। देखिए पूरा कटोरा सा, देखिए यहाँ पे शुक्राणु कैसे प्रवेश, देखिए यहाँ पे शुक्राणु कैसे प्रवेश करता है। देखिए पूरा दिखा है उसमें, लड़की लोग जो पैदा होने के बाद किस तरह से खाना जो कि किचन का सारा काम करती है। और यहाँ पे देखिए बनाया गया है इसको अल्ट्रासाउंड का मशीन, देख सकते हैं कटोरी। और देखिए यहाँ पे पूरा कांच लगाया गया है, हमारा जो बच्चा पेट किसी रहता हवा ठंडा के भी। देखिए देखिए यहाँ पे पूरा अल्ट्रासाउंड का मशीन पूरा रखा गया है। देखिए पूरा का ये जो है सीरा, जो हम लोग का नस है ना, वो नस को यहाँ पे दर्शाया गया किस तरह से शुक्राणु में पहुंचता है। देखिए अंडाणु शुक्राणु एक्सप्रेस करके देखिए यहाँ पे जाता है। देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पे देखिए पेड़ पौधा लगाया गया। ये जो है सब ये भारत में आ गया है, ये में अपना हरियाली में देख सकते हैं पैदा होके पेड़ पौधा चारों तरफ। और देख सकते हैं ये जो पूरा बांस से इसको डेकोरेशन किया गया है बांस से। और यहाँ पे देखिए बेटी पैदा हो जाने के बाद, सृष्टि में आ जाने के बाद, दुनिया में कैसे पढ़ाई लिखाई अपना दुनिया में आ जाती है, हरियाली। देखिए हार्टबीट, हार्टबीट इसको ले लीजिए। किसी जगह रहो तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे निकासी निकाय पूरा बाहर, देख सकते हैं बाहर कितना भीड़ है। देखिए तो फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग बाहर निकल गए हैं। देखिए काफी प्यारा लगा देख के, बहुत मजा आ गया। आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए और भी आप लोगों को पंडाल दिखाते हैं, और भी रांची का यहाँ पर कैसा पंडाल बताते बनाया गया है। चलिए आप लोगों को सभी पंडाल का दिखाते हैं नज़ारा। तो बाबू को देखिए कितना एक्साइटेड है, हाय करो बेटा। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा पकवान, देखिए यहाँ पे वैरायटी का खाना मिल रहा है, देख सकते हैं। वाव बर्गर, वाव देखिए यहाँ पे झूला झूलने के लिए यहाँ पे दिया था इस पर खाने के लिए, होती है जहाँ लास्ट पहुँचना। आप लोगों को हमारा रांची रेलवे स्टेशन का पंडाल कैसा लगा? और फ्रेंड्स हमको तो बहुत ही अच्छा लगा, इसमें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस रूप में इसलिए दिया गया है ताकि आज का डेट में आप लोग जगह जगह पर हर जगह
देख सकते हैं कि बेटे का कैसा अत्याचार, शोषण और किस तरह से बलात्कार किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो उसी को हम लोग को दूर करना है और बेटे को एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, एक बेटे के रूप में उसको अच्छी तरह से घर में इज्जत से रखना है फ्रेंड्स, और भ्रूण हत्या नहीं करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया हो तो जरूर से जरूर हमारा ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर और एक न्यू ब्लॉग में मिलेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए आज का वीडियो में इतना ही, फिर और एक न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।